अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइट ऑफ एक्सेस टू प्रमोशन ऑफ द टैलेंट के साथ ताहिर महमूद खान आपके साथ हाजिर है खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान सिटिजन काउंसिल और राइट्स टीवी को ये एजाज हासिल रहा है कि उन्होंने और हमारी टीम ने मिलकर आज तक जितना भी ग्रास रूट लेवल से जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया और उसने एक मकाम बनाया। इससे कबल भी नन्ना आर्टिस्ट के नाम से स्केचेस बनाने वाले मलिक कदीर अवान को हमारे ही प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स ने उनकी रिकॉर्डिंग्स की और उनको एक अहम मुकाम दिलवाने में किरदार अदा किया। मगर किसी भी टीवी चैनल ने उनका हाथ पकड़कर उनको एक माशरे का एक फाल रुकन बनाने की बजाय और उनके टैलेंट को मजीद निखारने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंटरव्यूज के बाद रेटिंग ली, अपने लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा किया और उसके बाद हाथ छोड़ दिया गया। हम आज भी मलिक कदीर के साथ somehow or the other अटैच्ड हैं और हम उनको जो उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है स्केचेस के उसके बारे से हमने उनको आज भी हेल्प आउट करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनका एक बाकायदा एक गैलरी बनाई जाए जिसमें उनके फन को सारी दुनिया में मुतारफ कराया जाए। आज बहुत खुशी का मुकाम उन्हीं के छोटे भाई मलिक सगीर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका अपना एक स्टाइल है, आए उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक सगीर, कैसे हैं आप? सगीर, कैसे लग रहा है आपको? आप उसी प्लेटफॉर्म से आपके बड़े भाई भी इंट्रोड्यूस हुए और आज आप भी यहाँ पर आ गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप करते क्या? मैं भी आर्टिस्ट हूँ, आपका नाम लिख दूंगा दरख्त की शक्ल में, इंग्लिश उर्दू आपकी मर्जी कर रहा है किसको गिफ्ट, नाम इतना मुश्किल कर दूंगा जब बताएंगे तो बड़ा जाएगा वरना दरख्त से जम जाएगा। अच्छा, ये काम मुझे वाले नहीं चलता है। कितने अरसे में आपने सीखा?